देख रहे हैं CN24। अभी तो ये अंगड़ाई है। गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के अध्यक्ष मार्कंडेय मणि त्रिपाठी के नेतृत्व में आज पत्रकारों ने महाराष्ट्र सरकार द्वारा गिरफ्तार किए गए पत्रकार अर्णव गोस्वामी की रिहाई को लेकर कैंडल मार्च निकाला। कैंडल मार्च प्रेस क्लब से होते हुए शास्त्री चौराहे पर जाकर संपन्न हुआ। उसके बाद एक आवश्यक बैठक प्रेस क्लब भवन गोरखपुर में हुई। यहां पत्रकारों ने देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार अर्णव गोस्वामी की गिरफ्तारी की पुरजोर तरीके से निंदा की। इसे महाराष्ट्र सरकार द्वारा द्वेषपूर्ण कार्रवाई बताया। पत्रकारों ने एक स्वर में इस गिरफ्तारी की निंदा करते हुए कहा कि पत्रकार समाज का आईना है और जब वह किसी भी सरकार की कमियों को उजागर करता है तो सरकार को अपनी कमियों को देखते हुए उसमें सुधार करने की जरूरत है, न कि इस तरीके से पत्रकार के आवाज़ को दबाने के लिए उसकी गिरफ्तारी करनी चाहिए। प्रेस क्लब के अध्यक्ष ने कहा, जिस तरीके से पुलिस के बल पर सरकार ने अर्णव गोस्वामी की गिरफ्तारी कराई है उसकी हम कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं और जल्द ही रिहाई की मांग करते हैं। साथ ही अगर हमारी मांगों पर शीघ्र विचार नहीं किया गया तो हम अन्य संगठनों के साथ मिलकर लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज़ को और भी मुखर करेंगे। इस मौके पर गोरखपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष मार्कंडेय मणि त्रिपाठी सहित पूरी कार्यकारिणी और भारी संख्या में पत्रकार उपस्थित रहे। देखिए, हम लोगों ने जो कैंडल मार्च निकाला है यह महाराष्ट्र सरकार द्वारा द्वेषपूर्ण तरीके से जिस तरह से बदला लेने की नीयत से एक पत्रकार को गिरफ्तार किया गया है अर्णव गोस्वामी को, उसके विरोध में हम लोगों ने जुलूस निकाला है। और हम लोगों की मांग राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से, महाराष्ट्र सरकार से यही है कि अर्णव गोस्वामी को रिहा करें। और इस तरह खबर दिखाने के अगर एवज में महाराष्ट्र सरकार के फेवर में खबर नहीं दिखाई जा रही है, उनके विरोध में दिखाया जा रहा है, तो इस तरह से कार्रवाई दोषपूर्ण तरीके से जो गिरफ्तारी हुई है यह निंदनीय है। पहले भी खबरें दिखाई जाती रही हैं, पहले भी खबर दिखाने से सरकार गिरती रही है, लेकिन इस तरह से कार्रवाई नहीं होती थी कि जो खबर दिखाएगा उसको जेल में बंद कर दिया जाएगा फंसा के। अगर इनको गिरफ्तार करना ही था तो यह लोकतांत्रिक तरीके से करते तो इसका विरोध नहीं होता, लेकिन यह निश्चित तौर पर यह जो है द्वेषपूर्ण महाराष्ट्र सरकार ने यह गिरफ्तारी की है, उसी के विरोध में हम लोगों ने कैंडल मार्च निकाल के विरोध किया है। और यदि इन्होंने रिहा नहीं किया, आवश्यकता पड़ी तो हम प्रदेश के अन्य संगठनों से भी संपर्क करके प्रदेश भर के पत्रकार विरोध करेंगे और उचित माध्यम से लोकतांत्रिक तरीके से।